सो राइट एवरीवन, ये कोलकाता का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब्स होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा फैन सामने ऑन कर दिया हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हीटिंग हो रहा है, इसलिए मैं माइक लेके बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वॉइस का आपको प्रॉब्लम्स होगा, इसलिए मैं सामने में आपको माइक लेके बोल रहा हूँ। दैट्स मीन यहाँ पे मैं आपको जेडी दिखा दूँ तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ 18,000 rupees पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है। ऑफिशियली जॉब से जो भी लोग इस जॉब के लिए एग्री होंगे डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, स्क्रीन पे आपको अभी ही कॉन्टेक्ट नंबर शो हो गए होंगे, बिकॉज अभी कॉल नहीं करने हैं, पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में ही आपको कॉल करने हैं। तो चलिए इस वीडियो को प्रॉपरली शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक और बात बता दूं, दिन की आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल पे रोजगार ब्लू माया पे जितने भी जॉब्स आते हैं कोलकाता लोकेशन के लिए होता है। यहाँ पे जो जॉब्स है बैक ऑफिस टेली कॉलिंग जॉब इन कोलकाता, ये जो कंपनी समझ सकते हो ऑफिशियली कंपनी है और ऑफिशियली कंपनी में जो आपका काम होगा ये बैक ऑफिस टेली कॉलिंग काम होने वाला है। मतलब बैक ऑफिस आपका काम होगा जिसमें टेली कॉलिंग काम करना है, जैसे कि कस्टमर को हैंडलिंग करना है ऑनलाइन। इसमें ड्यूटी जो होने वाले हैं 9 घंटे की ड्यूटी है और महीने में 26 दिन काम होने वाले हैं। देखिए इसमें जो आपको बता दूं एज लिमिटेशन, तो एज मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 30 इयर्स है। बिलो 18 कैंडिडेट नॉट एप्लीकेबल एंड अबोव 30 इयर्स कैंडिडेट नॉट एप्लीकेबल। सो एज क्राइटेरिया इज वेरी कॉम्पल्सरी नीडेड इन दिस कंपनी, तो एज क्राइटेरिया आपका कॉम्पल्सरी कंप्लीट होना चाहिए। देन एवरीवन, इसमें ईएसआई पीएफ बोनस प्रोवाइडेड बाय कंपनी, आपको पीएफ ईएसआई बोनस सब कुछ कंपनी के तरफ से दिया जाएगा। सो यहां पे देखिए लोकेशन है साल्ट लेक सेक्टर 5 लोकेशन में ये जॉब्स होने वाला है। ज्वाइनिंग विद इन 3 डेज, यहां पे सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं है, मतलब कि इसमें आपका सबसे पहले इंटरव्यू चलेगा, उसके बाद प्रोसेस होगा एंड 3 दिन के अंदर में आपका ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन इसमें सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं है तो हम इसमें कुछ भी रिकमेंडेड नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन में कम से कम आपका बीए पास होना चाहिए, 12th पास वालों के लिए भी अलाउ है, बट स्मार्ट एंड एक्सपीरियंस सो मस्ट इंपोर्टेंट। टेलीकॉलर डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपने 12th पास कर रखा है बिकॉज आपके पास में एक्सपीरियंस है डेफिनेटली यू कैन डू इट, बट विदाउट एक्सपीरियंस पर्सन नॉट अलाउड एंड नॉट रिक्वायर्ड इन दिस कंपनी। तो कम से कम आपका एक्सपीरियंस अगर 12th पास है तो होना चाहिए, बिकॉज कि अगर आप बीए पास है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चलोगे, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल सो मस्ट इंपॉर्टेंट। आपका कम्युनिकेशन स्किल ही ये डिपेंड करता है कि आपको जॉब्स मिलने में कितना आसानी हो पाएगा। इसमें जो सैलरी बताया गया है देन एवरीवन, आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा 18,000 rupees अप टू यहाँ पे सैलरी आपको दिख ही रहा है। देन की यहाँ पे जो सैलरी मिलेगा 18,000 rupees अप टू सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। सो बेसिकली बहुत सारे लोग ये टॉकिंग्स करेंगे कि रूम नहीं है, फूड नहीं है। जी नहीं, यहाँ पे अगर आप कोलकाता के कैंडिडेट है देन की आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, तो यहाँ पे रूम फूड की फैसिलिटीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो भी वैकेंसीज मेरे पास में आता है एक्यूरेट होता है, जेन्यून होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ब्लू माया प्राइवेट लिमिटेड प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से होता है, जो कि कोलकाता का ट्रस्टेबल एजेंसी है और उसी में आपका रिक्वायरमेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं कोई नई जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपके साथ में लेकर के। चैनल पे नए हो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोलकाता से रिलेटेड जॉब्स आते रहते हैं। ओके बाय।